नई वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्वाला से बने लोहे के इस जिस्म के लिए इन गहनों की जरूरत नहीं। साहिबा, आपका ये शेर तो गीदड़ निकला। आपके पास सही मानों में कोई शेर हो तो एक नहीं दो भेजिए, मैं तैयार हूं। गुलाम इनाम के लिए हाजिर है। मांगो जो मांगना है। आपकी आवाज में खुशी कम और मजबूरी ज्यादा है राजकुमारी साहिबा। मांगो, क्या मांगते हो? आपका हाथ। गिरफ्तार कर लो उसे। Thank you.
राजकुमारी साहिबा, आपने तो हमें इनाम नहीं दिया, लेकिन हम आपको कुछ देकर जरूर जाएंगे। जश्न तो कल है, आज क्यों लेने आए हो? हम लोग अभी अभी तो जहाज से उतरे। हम तुम्हें लेने नहीं आए सरदार, हम एक आदमी को ढूंढने आए हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं आया है। ठीक है, हम खुद तलाशी लेते हैं। रगड़ दे, ये ले। अरे जल्दी कर, सोच क्या रही है? तू भी तो बस आहिस्ता आहिस्ता चलो। आहिस्ता कौनती, ये अचानक तेरे हाथों में मर्दानगी कहां से आ गई? अरे बाबा, ये मेरी पीठ है, कोई भैंस की खाल नहीं, थोड़ा प्यार से। कौनती, तू इतनी चुप चुप से क्यों है? थोड़ी देर पहले तो तेरी जबान बड़ी चबड़ चबड़ कर रही थी, ये एकदम बोलती कैसे बंद हो गई? हाँ जी, वो क्या है कि मेरे पीछे सिपाही लगे हुए। अच्छा, तो इसलिए बोलती बंद है। बस क्या बात? सुनिए, भगवान के लिए पहले मेरी बात सुन लीजिए, अगर यकीन ना आए तो जी भर कर चिल्लाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगा, आपकी कसम। बोलो। देखिए, बात दरअसल ये है कि मैं एक गवैया हूँ, यहाँ का सिपा सलार मुझे जबरदस्ती फौज में भर्ती करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप राजकुमारी के यहाँ गाना गाने जा रही हैं, मुझे भी एक मौका मिले। तुम गा सकते हो? अरे मैं गा भी सकता हूँ और बजा भी सकता हूँ। ठीक है,
वो कपड़े लेके आओ। हाँ जी जी, जी। उधर देखो जी जी। लेखा आवाज ठीक हो जाएगी, गला साफ हो जाएगा। अबे इस नवाबजादे का गला ठीक करो वरना कल राजकुमारी हमें जलाकर राख कर देगी। अरे ऐसे कैसे जलाकर राख कर देगी, इस छुछुंदर के सिवा दुनिया में और कोई गवैया नहीं है क्या? ये देख गवैया ढूंढकर लाई हूँ। कौन है, कहाँ से आया है? तुझे इससे क्या, गाना गवा और छुट्टी कर। कौन है, कहाँ से आया है, ये सब पूछने की तुझे क्या जरूरत है? जरूरत कैसे नहीं, मैं इस कबीले का सरदार हूँ और तू मेरी मंगेतर, मत बोलना ये। अरे हाथ छोड़, मैंने कब कहा कि मैं इससे शादी करने जा रही हूँ? अगर किसी से शादी का नाम भी लिया ना तो जान से मार डालूंगा। नीच, तेरी कंदी जबान पर हमारी बहन राजकुमारी का नाम आने की हिम्मत कैसे हुई? बोल कौन है तू? आपको शायद कम नजर आता है, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि आप जिस रोटी को सोने और चांदी के बर्तनों में खाकर घमंड का डकार लेते हैं, हम गरीब उसी रोटी को मिट्टी के टूटे फूटे बर्तनों में खाकर भगवान का गुणगान करते हैं। बदतमीज, हम तुम्हें वो मौत मारेंगे कि एक बार मौत भी कांप उठेगी। ये आपके हाथों नहीं हमारे हाथों मरेगा। इसने हमारा अपमान किया है, इसका बदला हम खुद ही लेंगे। आप जाइए। अच्छा हुआ आप आ गई, वरना मां कसम आपके इस भूत जैसे भाई से मार खाने में बिल्कुल मजा नहीं आता। आज हम तुम्हें वो मजा चखाएंगे कि तुम जन्म जन्म तक याद रखोगे। जन्म जन्मांतर तक साथ निभाओगे, इसीलिए तो भरी सभा में तुम्हारा हाथ मांगा था। जरा अपने माथे से पसीना तो पोंछ लीजिए, मुझे यकीन है मेरे मरने से पहले आप मुझ पे मरने लगेंगी। तुम तो हमारी नफरत के लायक भी नहीं हो। इतना लायक तो रखना ही पड़ेगा राजकुमारी साहिबा। हम तुम्हें पहली सीढ़ी पर ही खत्म कर देंगे। राजकुमारी की जय हो, अवधपुर के राजकुमार सुजान सिंह आए हैं। राजकुमारी साहिबा हमारे लिए जगह नई है, आपके बगैर बड़ा सूना सूना लगेगा, जरा जल्दी आइएगा। जल्दी आएंगे लेकिन सौगंध खाकर जाते हैं कि जब तक तुम्हारे खून से हाथ ना रंग ले उनका दाना तक नहीं छूएंगे। हम भी सौगंध खाते हैं, जब तक अपने खून से आपकी मांग नहीं भर देंगे अन्न तो क्या पानी तक नहीं पिएंगे। बदतमीज, मां कसम इसका बदला भी हम बड़े प्यार से लेंगे।